ये वीडियो ख़ासकर उन लोगों के लिए है जो डॉक्टर जलाली की हिमायत करने वाले उलमा को नास भी कह रहे हैं। उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब ये हिमायत सिर्फ मौलवियों के बीच की नहीं रही, सादात तक जा पहुँची है। ज़रा संभल कर अपनी ज़बान इस्तेमाल करें। इससे पहले भी मैं दो सादात की वीडियो लगा चुका हूँ, एक तो सैयद रिजवान रिफाई शाफई हफिज़हुल्लाह ताला की और दूसरी गुलजार मिल्लत सैयद गुलजार मियाँ इस्माइली वास्ती हफिज़हुल्लाह ताला की। अब आज जिस सैयद ज़ादे की वीडियो लगा रहा हूँ, कान खोल कर सुने, वो इनका भी पीर घराना है और तो और इन्हीं की नस्ल से माहरहरा मुकद्दसा के सादात का वजूद है। मैं बात कर रहा हूँ सैयदुस सादात मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलिग्रामी हुसैनी जैदी कादरी चिश्ती रहिमहुल्लाह ताला का घराना और खानकाह बिलिग्राम शरीफ, जो कि मशहूर ज़माना किताब सबा सनाबिल के मुसन्निफ भी है, जिनका मज़ार पुर अनवार हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। इसी घराने के चश्मो चिराग व नायब सज्जादा नशीन सरकार मीर सैयद सुहेल अहमद कादरी चिश्ती वाहिदी बिलिग्रामी उर्फ मीर सैयद सुहेल मियाँ हफिज़हुल्लाह 30 जुलाई 2020 को आपने डॉक्टर जलाली की मुकम्मल हिमायत फरमा दी है और फरमाया कि खलीफ़े अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान अकदस में गुस्ताखी करने वाली एक मर्दूदा औरत का रद्द करते हुए हज़रत मौलाना अशरफ आसिफ जलाली साहब ने फरमाया कि जब हज़रत फ़ातिमातु ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु से बाग़ फदक का मुतालबा कर रही थी तो वो ख़ता पर थी, मगर उसके बाद अपने इस जुमले की वजाहत करते हुए डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ख़ता से मेरी मुराद ख़ताए इज्तिहादी है, लिहाजा उनकी ये वजाहत ही रुजू है। हर ज़ी इल्म जानता है कि ख़ताए इज्तिहादी बाइस सवाब है, ना कि किसी की शान में गुस्ताखी। अब जलाली साहब की इस वजाहत के मालूम होने के बाद डॉक्टर जलाली साहब को बारगाह सैयदा फ़ातिमातु ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का गुस्ताख करार देते हुए FIR दर्ज कराना और मौसूफ़ को गिरफ़्तार कराना या करना डॉक्टर जलाली साहब पर जुल्म है। आगे फरमाया कि एक अरसे से जो लोग सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन व दिगर सहाबाए किराम रदी अल्लाह अन्हुम की शान में खुली गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, वो सड़कों पर बेजा धड़क घूम रहे हैं और जिसने गुस्ताखी की ही नहीं वो जंदान में है। मैं पूछता हूँ ये कहाँ का इंसाफ है। इसके बाद हज़रत ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। हज़रत फरमाते हैं कि मैं फ़कीर वाहिदी मौलाए कायनात शेर खुदा अलीयुल मुर्तज़ा की आल होने की हैसियत से जुमला अहल सुन्नत पाकिस्तान व सादात किराम को ये बावर कराना चाहता हूँ कि अगर जलाली साहब का जुमला गुस्ताखाना होता तो हम सादात बिलीग्राम खामोश नहीं बैठते, लेकिन चूँकि उन्होंने अपनी मुराद ज़ाहिर कर दी इसलिए उन पर कोई हुक्म आयद नहीं होता। जो लोग उनको काफिर या गुस्ताख या गुमराह कह रहे हैं वो हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद में भी गिरफ्तार हैं, उनको इससे तोबा व रुजू करना चाहिए। नीज़ मैं अपनी और जुमला मुसलमाना ने अहले सुन्नत की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ वो डॉक्टर आसिफ जलाली साहब को बाइज़्ज़त रिहा करें। फ़कीर मीर सैयद सुहेल अहमद कादरी चिश्ती वाहिदी नायब सज्जादा नशीन खानकाह आलिया कादरिया वाहिदिया व सरबराह आला दारुल उलूम वाहिदिया तैयबिया बिलिग्राम शरीफ UP अल हिंद। तो माशाल्लाह हज़रत ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में डॉक्टर साहब की हिमायत भी करी और साथ ही में राफ़ज़ियत की धज्जियाँ भी उड़ा दी कि मैं अली का बेटा हूँ, अली की औलाद हूँ, और अगर वाकई इस लफ्ज़ में गुस्ताखी होती तो हम अली के शहज़ादे पीछे नहीं हटते। लेकिन जब गुस्ताखी है ही नहीं, जब वजाहत हो गई तो फिर उन पर हुक्म लगाना ये जुल्म है। तो हज़रात मोहतरम अभी ये सिलसिला जारी और सारी है और अल्लाह हक़ को इसी तरह से हमेशा वाज़े करता है और इंशाअल्लाह आगे भी करेगा। आप वीडियो को शेयर करें इस नियत के साथ कि अल्लाह सुबहानहु व तआला सभी को हक़ समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ।